फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनी गार्डनिंग। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे गार्डन का सीन है। कुछ टाइम पहले फ्रेंड्स काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, काफी ज्यादा प्लांट खराब हो रहे थे, सूख भी गए थे बहुत सारे प्लांट, सूखे भी हैं मेरे, स्पेशली कॉलियस के। तो उन लोगों को तो मुझे पता नहीं है कि किस टाइप के थे, लेकिन कुछ गिलहरी ने भी खराब करे हैं। ये मेरा जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा प्लांट गिलहरी ने खा लिया है। ये सूखा नहीं है, सिर्फ खा लिया है, और इसकी अभी न्यू ब्रांच निकलना स्टार्ट हो गई है। तो इसके बाद में बात करूं फ्रेंड्स, तो आज संडे है और संडे में देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो गार्डन है पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। कहीं पर मट्टी है, कहीं पर कचरा है, और कहीं पर प्लांट इसी तरह बिना बेतरबीन तरीके से रखे हुए हैं। मतलब कि कहने का यह है कि बिल्कुल कहीं पर भी कुछ भी रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम के लिए बाहर गई थी और उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने देखा तो जो नेट है उसके नीचे ये सब रखे हुए थे। और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, मैंने नेट हटा दिए। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, मेरे जो गार्डन है उसका कचरा और उसकी मिट्टी गंदगी देखिए फ्रेंड्स काफी ज्यादा हो रही है। तो आज मैं साफ करने वाली हूँ पूरा गार्डन, और इसके बाद में फ्रेंड्स नए तरीके से जमाने वाली हूँ, और बहुत ही खूबसूरत सा लगने वाला है मेरा प्लांट, क्योंकि मैं बारिश में बहुत प्यारी तरीके से इसको जमाती हूँ, स्पेशली जो मेरे कोलियस के प्लांट होते हैं ना उसको। तो आज देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं सामने पिटूनिया के प्लांट है, और पिटूनिया के प्लांट मेरे जो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको विंटर से संभाल के रखा है, और विंटर से संभाल के रखने के बाद में फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें वापस से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये जो फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने स्पेशल खाद बनाकर इसको दी है। इसके लिए यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि बारिश के जो पानी इसके ऊपर पड़ेगा तो ये काफी ज्यादा मतलब कि फंगस नहीं लगेगी इसमें, और ये काफी अच्छे से फ्लावरिंग भी दे पाएगा। और वेल ड्रेन्ड मिट्टी है, अगर आपके जो प्लांट है उसमें मिट्टी में पानी रुक रहा है तो आप इसका जो ड्रेनेज होल है वो चेक कीजिए फ्रेंड्स, या फिर आप इसको रोज शाम को इस तरीके से रख दीजिए ताकि जब बारिश हो रात को तो ओवर वाटरिंग ना हो, इसमें पानी भरा ना रहे। और ये देखिए फ्रेंड्स, लिली के प्लांट, लिली में काफी अच्छी से फ्लावरिंग चल रही है, और सदाबहार का प्लांट मुझे ये वाला काफी पसंद है। देखिए फ्रेंड्स, काफी बड़े बड़े और काफी प्यारे प्यारे से सफेद फ्लावर खिल रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है, तीन से चार प्लांट हैं, इसने एक प्लांट काफी बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आधे से ज्यादा कचरा है वो गिलहरी करती है, क्योंकि मैंने जो मेरे किचन गार्डन का जो मैंने इसमें वेस्ट बनाया था, मैं जो कम्पोस्ट बना रही थी उसको गिलहरी ने देखिए काट दिया है इस तरीके से, और एक यहाँ पर भी है, और ये सारा कचरा यहाँ पर फैला दिया है। तो इसका भी मुझे सफाई करना है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीम की जो प्लांट है मेरा काफी हेल्दी है, काफी खूबसूरत है, और ये मेरे बड़े से बैग में लगाने के बाद में इसकी फर्स्ट बारिश है, तो इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स काफी बढ़ जाएगी। मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। कमल पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो कमल को मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि ये जो मेरे गार्डन है उसकी सबसे बड़ी रौनक मेरे कमल है। ये वाला जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें अभी हो गई है फ्लावरिंग, तो अब ये बिल्कुल एकदम सूखने लगा है, थोड़े टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा। इसकी जो पत्तियां हैं वो न्यू आने लगेगी, नीचे से आ रही है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो काफी ज्यादा फ्लावरिंग हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो कमल की जो फ्लावरिंग होती है ना फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से हमें हटा देना चाहिए, ताकि जो नई नई सी जो पत्तियां हैं उसको और नई नई सी जो कलियां हैं उसको प्रोड्यूस करने में प्लांट को काफी एनर्जी वेस्ट ना करना पड़े। और नीचे आप देखते रहिए कि अगर आपके जो कमल है उसके प्लांट के नीचे अगर इस तरीके से खराब पत्ती या रूट्स वगैरह हैं तो उसको आप इस तरीके से हटाते रहिए, ताकि ये जो फंगस है वो ना लगे। तो इस तरीके से आपको हटाना है फ्रेंड्स, और खराब पत्तियों को बिल्कुल भी ना रहने दें फ्रेंड्स। पानी थोड़ा इसका कम ही रखें, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो इसलिए। और खाद तो मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसको फंगीसाइड, वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट, और थोड़ा सा आप इसमें डीएपी डाल के दे दें तो काफी अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। लेमन ट्री है यहाँ पर, यहाँ पर सिंगोनियम रखा हुआ है, और यहाँ पर जेड प्लांट है। देखिए जेड प्लांट की तो अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टार्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश के पानी में ही मैंने रख रखा है, और मैंने इसकी बहुत अच्छे से मिट्टी बनाई थी तो ये काफी अच्छे से चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर चल रहे हैं अडेनियम, तो अडेनियम की प्रूनिंग आप कर सकते हो। इसको जो अडेनियम होता है ना फ्रेंड्स, इसको आप यहाँ से ब्रांच को काट के और इसकी प्रूनिंग कर सकते हो, उसके ऊपर फंगीसाइड लगा दो ताकि फंगस ना लगे, और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। तो मेरे जो गार्डन के प्लांट है, अभी मोगरा देखिए फ्रेंड्स, मोगरा तो हमेशा फूलों से ही लदा रहता है। मधुकामनी को देखिए फ्रेंड्स, मधुकामनी की भी फ्लावरिंग तो बहुत होती है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें कि इसको गिलहरी आके खा जाती है। और यहाँ टिकोमा में भी कलियां आ रही हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है आप देख रहे हो चांदनी का, कितना टेबल चांदनी है फ्रेंड्स, इसको मैं बाहर निकाल कर दिखाती हूँ
क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होता जा रहा है और इसकी जो लुक है आप देखोगे ना बहुत खुश हो जाओगे। देखिए एकदम ब्यूटीफुल सा है, मैंने इसकी कटिंग शटिंग नहीं की है, नीचे से एक छोटा सा प्लांट है और ऊपर से देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें जब फ्लावरिंग आएगी ना तो बहुत प्यारा लगेगा, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स गोल गोल घुमा के आपको दिखा रही हूँ मैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी ऊपर से मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसकी कटिंग कर दी है, पर मैंने कटिंग नहीं की है फ्रेंड्स। और मधुकामनी में देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, गिलहरी खा जाती है फ्रेंड्स मेरे सारे प्लांट के जो फ्लावर होते हैं। और गुलाब की तो मैं बात ही क्या करूं, आप देखोगे तो खुश हो जाओगे, बहुत सारी बेसिल सूट्स हैं। और ये वाली जो प्लांट है इसके ऊपर मैंने काफी अच्छी वीडियो आपके साथ में शेयर की थी, मैंने इसके ऊपर जो खाद डाली थी फ्रेंड्स देसी गुलाब के ऊपर वही खाद मैंने मोगरे पे भी डाली थी। और मोगरे की आप कलियां देख सकते हो फ्रेंड्स कि कितनी सारी कलियां आ रही हैं। तो कोई भी खाद होती है जो लिक्विड होती है वो तो तुरंत हमारे प्लांट को मिल जाती है, लेकिन जो हम सॉलिड फॉर्म में डालते हैं ना फ्रेंड्स उसको बहुत देर में मिलती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर बारिश स्टार्ट होने वाली है तो आप भी ये काम कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी कलियां आई हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने जो प्लांट है उसको अभी भी अगर खाद दे देंगे, और आप कभी भी दे सकते हैं जब आपके एरिया में बारिश नहीं हो रही हो तब आप इसकी गुड़ाई करके वो खाद दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा और फिर आपके जो प्लांट है उसको देंगे तो इतनी सारी बेसल फ्रूट आएगी। और हर गुलाब में आ रही है फ्रेंड्स देखिए, और मेरे सारे गुलाब की बेसल फ्रूट स्टार्ट हो गई हैं, कलियां स्टार्ट हो गई हैं, कलियां तो आप देखोगे और फ्लावरिंग देखोगे तो काफी खुश हो गए मेरी तरह। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हैं और हम वापस से वही एरिया में आ गए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने थोड़े पौधे जो हैं वो बालकनी में लगा रखे, तो चलिए उसको भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी बहुत सारा कबाड़ा है, यहाँ पर मैंने जो सीड लगाए थे वो रखे हुए हैं, उनकी ग्रोथ और उनकी अपडेट भी मैं देती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे जो फुटबॉल लिली है उसके यहाँ पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और ये सारे जो फुटबॉल लिली के बल्ब हैं ये ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। किसी में अभी फ्लावरिंग आएगी, किसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीक तक जरूर आ जाएगी। और गिलहरी को देख लीजिए फ्रेंड्स आप, ये देखिए एक पत्ती खा के नीचे की तरफ फेंक के चली गई है, एक फ्लावर खिल चुका है, कलियां आ रही हैं, लेकिन ये कलियों को रहने नहीं देती है फ्रेंड्स, खा के चली जाती है। तो मैं जितनी भी मेहनत करती हूँ सारी गिलहरी पानी फेर देती है। इसके अलावा मैंने जो सीड लगाए थे फ्रेंड्स उसकी ग्रोथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि अच्छी ग्रोथ चल रही है, काफी अच्छे से इसकी जो प्लांट है वो निकल कर आ रहे हैं और बाकी में भी अभी निकल कर आ जाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये मेरे सारे के सारे गुड़हल के प्लांट है, और यहाँ पर भी मैंने थोड़े सीड डाले थे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी ग्रोथ हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं गार्डन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये अभी थोड़ा सा नजारा ऐसा है, मैं पूरा साफ कर लेती हूँ, लास्ट में आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको सेट किया है और किस तरीके से सफाई की है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरफ की पूरी साफ सफाई हो गई है अच्छे से, और इसको मैंने ठीक से साफ कर लिया है, यहाँ पर सारा जो कचरा था वो एक तरफ इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं पॉलीथीन में डाल दूंगी, ये वाली पॉलीथीन मैं चेंज कर दूंगी क्योंकि गिलहरी ने सब दूर से इसको खराब कर दिया है। और फ्लावर देखिए फ्रेंड्स आज कितने सारे फ्लावर खिले हैं, व्हाइट कलर के, पिंक कलर के हैं, और इसमें ये जो मेरे को येलो कलर का बल्ब दिख रहा है फ्रेंड्स मैं इसे निकाल लूंगी ताकि ये जो ये यहाँ पर है इसमें है तो मैं इसको निकाल लूंगी ताकि यहाँ पर सिर्फ पिंक कलर के फ्लावर रहे और यहाँ पर पूरे व्हाइट है, यहाँ पर येलो कलर के हैं। तो इस तरीके से मैं जो एक एक कलर का जो पॉट बना रही हूँ वो काफी अच्छा रहेगा, और फिर बाद में मुझे क्या है फ्रेंड्स कि पता चलेगा कि कौन सा जो बल्ब है वो येलो है, कौन सा पिंक है, कौन सा व्हाइट है। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे पास में जो बल्ब है ना फ्रेंड्स वो और भी दूसरे हैं। देखिए मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया था, और देखिए ये वाले कलर हैं, और भी बहुत सारे कलर हैं जो मैंने ऑनलाइन लिए थे और ये काफी रेयर हैं, काफी एक्सपेंसिव मतलब महंगे भी आए हैं। तो मैंने 7 से 8 कलर के और भी फ्लावर मंगाए थे और ये छोटे छोटे से कंटेनर में लगे हुए एक एक बल्ब खरीदा था फ्रेंड्स। तो अभी ये थोड़े से डिवाइड हो गए हैं, कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, देखिए यहाँ से 2 हो गए हैं ये, और ये भी 2 हो गया है, 3 हो गए हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हो गए हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे हो गए हैं, यहाँ पर एक ही है, ये डिवाइड नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और इस तरफ मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर भी बहुत सारे हो गए हैं। तो ये काफी महंगे थे फ्रेंड्स, 200-300 के ऐसे मुझे मिले थे इसलिए यहाँ रखा है। कुछ कटिंग्स मैंने यहाँ लगा रखी है फ्रेंड्स, जब मैंने कटिंग्स की वीडियो बनाई थी ना तो मुझे याद नहीं था और मैंने बता नहीं पाई थी मैं,
तो मैंने कुछ कटिंग यहाँ लगाई है। गुलदाउदी की कटिंग को अगर आप फ्रेंड्स इस तरीके से किसी प्लांट के नीचे लगाते हैं ना, तो काफी इजीली ग्रो हो जाती है, क्योंकि उसको ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है और प्लांट के ऊपर जब शावर होता है तो काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी बनती है और उसकी वजह से जो कटिंग है वो जल्दी से ग्रो हो जाती है। मिट्टी काफी इसकी भुरभुरी है, देखिए फ्रेंड्स काफी ज्यादा मैंने इसमें अच्छी सी भुरभुरी सी मिट्टी में अपने प्लांट की बनाती हूँ, ताकि जो प्लांट है काफी ग्रो करे, रूट्स उसकी काफी अच्छे से निकले और उसकी जो हेल्थ है रूट की वो काफी अच्छी बने। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे गार्डन की अभी आधी सफाई हुई है और उसमें ही काफी पानी आ गया था, तो इधर की जो सफाई है फ्रेंड्स वो नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है। मैंने कोकोपीट धोया था तो कोकोपीट भी यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने काफी पॉलीथीन डाल रखी है, तो उसकी पॉलीथीन को भी गिलेरी ने चारों तरफ फैला दिया है। वाटर पाइप भी पड़ा हुआ है और यहाँ पर थोड़ी सी एप्सन सॉल्ट वगैरह सबकी कचरा पड़ा हुआ है, तो इसको भी मुझे सेट करना है, तो इसके बाद में मैं फिर सेट कर लूंगी। तो ये संडे ओवरव्यू आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, स्पेशली मैं आपको जो मेरे रोज हैं उनको दिखाकर ये संडे ओवरव्यू ऑफ करना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ पर एक ही ब्रांच है फ्रेंड्स, देखिए ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं ना, ये इसमें फ्रेंड्स पांच कलियां आई हैं देखिए, और जब मेरे जो गुलाब है ना फ्रेंड्स उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है ना, तो इस तरीके के गुच्छों में पंच में ही फ्लावर आते हैं। और इतना ही नहीं कि ये पांच फ्लावर आए हैं, उसके बाद में भी देखिए एक ही प्लांट पे इतनी सारी कलियां आई हुई हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से बहुत सारी कलियां हैं और दूसरे जो प्लांट है फ्रेंड्स उसका भी बताती हूँ कि देखिए यहाँ पर भी चार से पांच कलियां एक ही आपको जो ब्रांच है उसमें दिख जाएंगी, यहाँ पर है इस तरीके से यहाँ पर पांच से छह कलियां हैं और जो बेसिल सूट्स आ रही हैं उसमें भी है। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने ये वीडियो शेयर की है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगी। आप जिन फ्रेंड्स लोगों ने मेरे जो कमल की जो गुलाब की मेरे पास में जो खाद की मैंने वीडियो बनाई है फ्रेंड्स बेसिल सूट्स की, वो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा और इस तरीके की बेसिल सूट्स आपके भी प्लांट पे आ जाएगी अगर आप वो खाद देते हो। तो इस पे इतनी सारी इसलिए आई है फ्रेंड्स कि मैंने इसको दो महीने पहले ही डाल दिया था, तो अभी जब मतलब जुलाई आएगा ना तो दो महीने हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें पानी पड़ते ही बारिश का इसमें इतनी सारी बेसिल सूट्स आ गई, कलियां आने लगी, फ्लावर स्टार्ट हो गए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी तीन से चार कलियां हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई प्लांट की जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।